डिफॉल्ट प्रायोरिटी 5। ओके, उसके बाद अगर इस प्रायोरिटी को आपने चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हो। इसको बोलते हैं पेस्ट मेथड। क्या होता है? थ्रेड आईडी, थ्रेड प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी, थ्रेड प्रायोरिटी, ओके, प्रायोरिटी, थ्रेड प्रायोरिटी आफ्टर चेंज्ड, आफ्टर चेंज्ड, ओके, आफ्टर चेंज्ड प्रायोरिटी हम चेंज कर सकते हैं। उसको हम लोग इस्तेमाल करना पड़ेगा सेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी, सेट प्रायोरिटी। तो इस ब्रॉकेट के अंदर हमको वैल्यू पास करना है, क्या प्रायोरिटी देना। तो प्रायोरिटी होता है मिनिमम प्रायोरिटी 1 होता है, मैक्स 10 प्रायोरिटी, ओके, डिफॉल्ट 5। तो इधर डिफॉल्ट प्रायोरिटी थ्रेड का 5 दिखाया था, तो हमने इस प्रायोरिटी को चेंज करेंगे सेट प्रायोरिटी 10, तो मैक्स प्रायोरिटी दे देंगे, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद सेट प्रायोरिटी, ये कमांड हो गया। उसके बाद नेम भी चेंज कर सकते हैं थ्रेड का नेम। सपोज इस थ्रेड का नेम क्या है, हमको थ्रेड का, व्हाट इज द नेम ऑफ थ्रेड 0, थ्रेड 0, थ्रेड 0 इज नेम है ना। तो इस 0 को आपने क्या करना, मेरा नाम लगाऊंगा। तो उसके लिए क्या करना है, इधर आपने सेट नेम पेस्ट करो, थ्रेड नेम, थ्रेड नेम आफ्टर, आफ्टर चेंज, ओके, आफ्टर चेंज। तो इसके लिए सेट नेम, सेट सेट नेम, सेट नेम, उसके नेम के अंदर आपको नेम देना है एक पैरामीटर इस ब्रॉकेट के, क्योंकि ये मेथड है एज ए आर्गुमेंट आपने पास करना है। आर्गुमेंट पैरामीटर अलग है, आर्गुमेंट मैंने बताया, जब भी मेथड डिक्लेयर होता है उस समय आप पैरामीटर वैल्यू पास करते हैं। जब मेथड को कॉल करते समय जो वैल्यू देते उसको आर्गुमेंट, इधर मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ इसलिए इधर आर्गुमेंट देना है। आर्गुमेंट क्या होता है, वासु। तो ये वासु क्या होगा, वासु उसका मेथड का क्या बन गया, ये नेम, गेट नेम, मतलब इसका नेम क्या आया, थ्रेड नेम 0 आया। उसके बाद ये नाम चेंज होगा वासु बोल के, अभी कंपाइल कीजिए, ये पूरा आया, कहाँ है, ठीक है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स कहीं तो नहीं ना। ये क्या है कि हेलो वर्ल्ड, थ्रेड आईडी, ये सब चीज, थ्रेड आईडी चेंज हो गया, नेम फॉल्स अनडिफाइंड, अच्छा एरर आया, वहाँ कहाँ आया एरर, एक एक क्या लाइन के अंदर एरर, एट जावा लेक्चर 28 लाइन के अंदर, 28 लाइन के अंदर क्या एरर है, सिस्टम डॉट आउट वासु ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम, गेट नेम के जगह पर आपने सेट नेम किया है, ब्रॉकेट है ये प्लस ओबीजे डॉट आफ्टर चेंजमेंट प्लस, ओके, ओबीजे ओबीजे ओबीजे, ओके ओके, क्या है, रन किया है, ओके, द ऑपरेटर प्लस इज अनडिफाइंड फॉर द आर्गुमेंट टाइप स्ट्रिंग वॉइड ऑपरेटर एट लेक्चर 28 के अंदर प्लस, सी प्लस 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 प्लस, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर प्लस है, इधर प्लस, क्यों, ओबीजे डॉट गेट नेम, ओबीजे डॉट इज अलाइव ट्रू इफ दिस थ्रेड इज अलाइव फॉल्स अदरवाइज, ओबीजे डॉट ओके, ये है, ओके, टू ब्रेसेस, तो ये चलना है चाहिए, ये नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, तो कहाँ नहीं चल रहा है, हमने
Vasu cannot be resolved at this is what lecture problem string the operator is undefined for the argument type string void. String void कौन सा line के अंदर है ये 28 line के अंदर. So 28 line को comment में रखते हैं ठीक है problem है तो फिर next देखते हैं Java at lecture 31 line. 31 line ये problem है तो इसको आपने comment कर दिया comment तो run कीजिए ये सब चला तो चलते हैं देखते हैं कहाँ कहाँ problem है तो ये है thread name 0 है अच्छा change नहीं हुआ है ये सब ये दोनों क्या क्या थ्रेड हुआ थ्रेड आईडी आ गया थ्रेड नेम आया थ्रेड स्टेटस आया थ्रेड प्रायोरिटी नेम चेंज करने से सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन थ्रेड नेम आफ्टर चेंज्ड प्लस ओबीजे डॉट थ्रेड नेम वासु ये चेंज करने से ये इसमें नहीं हो रहा अच्छा ये सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन थ्रेड प्रायोरिटी आफ्टर चेंज्ड ब्रैकेट ओके प्लस obj डॉट सेट प्रायोरिटी ये दोनों कमांड एक्सेस नहीं हो रहा है तो लेट अस सी व्हाई 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 ओके तो ये दोनों होना है सेम एज इट इज सेट प्रायोरिटी ओके वन बाय वन देखते हैं क्या रीजन है वन बाय वन ओके सिस्टम डॉट तो ये है तो ये बोल रहा है कि एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लाइन अनरिजॉल्वड क्या है कि ये लेक्चर है ये लेक्चर है ये सब ठीक है ओके लेक्चर ये बोल अनरिजॉल्वड कंपाइलेशन प्रॉब्लम वाज एट लेक्चर मेन 28 एक्सेप्शन इन थ्रेड compilation was you cannot be resolved to a variable to a variable variable acha ye was ye nahi chalega to name ko set name so string nahi lega iska matlab idhar string nahi lega to apne kya karna hai isko change karenge name as what some 0 6 laga diya तो ये रन करेगा अभी थ्रेड आईडी थ्रेड नेम थ्रेड जीरो तो ये दोनों क्या है फिलहाल के लिए हम रोक ये दोनों क्योंकि कमेंट में लगा दिया तो आपकी थ्रेड एग्जीक्यूट हो गया ठीक है तो हमने इधर ये देखा है कि थ्रेड बन गया कैसे बन गया वो दोनों मेथड बाद में देखते हैं ठीक है तो उसके बाद क्या है कि थ्रेड बन गया तो ये चीज़ है थ्रेड कैसे बन गया आपकी रनबल इंटरफेस के लिए जावा में रनबल इंटरफेस के लिए और इस्तेमाल करते हुए थ्रेड बनाया तो इस थ्रेड को सपोज़ ये पूरा थ्रेड बना तो लास्ट में और एक स्टेटमेंट मैं रख रहा हूँ ये स्टेटमेंट को कौन एग्जीक्यूट करता है देखते हैं कि सिस्टम डॉट आउट पेस्ट सपोज इधर मैंने लिख दिया कि एक स्टेटमेंट रख रहा हूँ ओके इंडिया इज माय कंट्री ओके इंडिया इज माई कंट्री इंडिया इज माई कंट्री ये स्टेटमेंट लगा दिया तो इसको कौन रन करेगा थ्रेड रन करेगा या कौन देखते हैं इसके अंदर क्या है कि ये आया इंडिया इज माई कंट्री तो ये जो स्टेटमेंट होता है ना ये स्टेटमेंट आपकी आपने obj डॉट स्टार्ट लिखा है obj डॉट स्टार्ट obj स्टार्ट से ये रन हुआ कौन सा रन हुआ है ये मेथड